presto verrà liberato da questa maledizione. तो दोस्तों हाल ही में मैंने एक मूवी देखी है जिस मूवी का नाम है डोंट किल मी। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो अगर मरकर कोई जिंदा वापस आ जाए तो वो इंसान कहलाएगा या आत्मा या कोई ऐसा क्रिएचर जो कि इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तो क्या मरकर कोई सच में जिंदा वापस आ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आज की कहानी में आपको पता लगेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिर्ता और रॉबिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि कार में भी कभी कभी रॉबिन अपनी आंखें बंद करके सिर्फ मिर्ता को फॉलो करता था। दोनों के अंदर इतना ज्यादा भरोसा था कि कभी कभी मिर्ता उसकी इन हरकतों से डर भी जाती थी, लेकिन उसे यकीन था कि रॉबिन उसे किसी भी मुसीबत में नहीं डालेगा। रॉबिन को ड्रग की लत थी जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने कभी भी मिर्ता को ड्रग लेने के लिए फोर्स नहीं किया था। उनके रिलेशनशिप का यही रूल था कि कोई भी किसी पर जबरदस्ती नहीं करेगा, और चाहता भी नहीं था कि मिर्ता ड्रग के नशे में फंसे। मिर्ता रॉबिन से प्रॉमिस करती है कि अगर वो आखिरी बार ड्रग्स लेगा तो आखिरी बार में उसका साथ जरूर देगी, और वो इस ड्रग की वजह से मरना नहीं चाहती थी। रॉबिन मिर्ता से प्रॉमिस करता है कि उन दोनों को मौत भी अलग नहीं कर सकती है, मौत के बाद में वे दोनों साथ में रहेंगे। दोनों एक दूसरे को किस करके ड्रग अपनी आंखों में डाल लेते हैं, और रॉबिन उसे कहता है कि हम लोग वापस आएंगे। लेकिन कुछ ही समय में ड्रग ओवरडोज की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। शायद रॉबिन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसीलिए मरने के बाद भी उसकी मौत पर कोई नहीं आया था। मिर्ता के पेरेंट्स मिर्ता की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी थे, और उनको हमेशा ही लगता था कि रॉबिन उसके लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन मिर्ता की जिद के आगे उन लोगों ने रिश्ते को अपना लिया था। मिर्ता अगर जिंदा होती तो उसकी यही आखिरी इच्छा होती कि उसे रॉबिन के साथ में दफनाया जाए, इसीलिए मिर्ता की माँ के कहे अनुसार दोनों को एक साथ में दफनाया जाता है। दफनाने के बाद में मिर्ता की कब्र में हम हलचल को सुन पाते हैं, और अपनी कब्र तोड़कर मिर्ता वहाँ से बाहर निकलती है। वो खुद को इस हाल में देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी, तभी उसे पास की कब्र में उसे रॉबिन की डेड बॉडी दिखती है। रॉबिन को मरा हुआ देखकर मिर्ता बहुत ज़्यादा रोती है, और उसे ये नहीं पता था कि रॉबिन उसे इस तरीके से छोड़कर चला जाएगा। मिर्ता फिर उसी सड़क पर जाती है जहाँ पर उसने पहली बार रॉबिन को देखा था, और उसी रात मिर्ता और मिरांडा एक क्लब में गए थे। मिरांडा तो किसी काम से बिजी हो गई थी तो मिर्ता अकेली पड़ गई थी, और तब उसने रॉबिन को वहाँ पर देखा जो कि उसी की तरफ देख रहा था। मिर्ता रॉबिन को पसंद करने लगी थी, और रॉबिन को उसके पास आता देखकर मिर्ता पार्टी से बाहर जाने लगती है, लेकिन रॉबिन उसे उठाकर वापस पार्टी में ले आता है, और दोनों वहाँ पर डांस करते हैं। दोनों ने बिना बोले ही एक दूसरे के प्यार को समझ लिया था, और उसी दिन से उनका रिलेशनशिप शुरू हो गया था। अब प्रेजेंट समय में मिर्ता वापस घर पर आती है, और उसे अपने अंदर बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी। वो किचन में जाकर खाना खाने लगती है, लेकिन वो उस खाने को हजम नहीं कर पा रही थी और उल्टी कर देती है। वो अपने पेरेंट्स को देखती है जो कि उस समय सो रहे थे, और तब मिर्ता अपने रूम में चली जाती है। मिर्ता की माँ को मिर्ता के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो मिर्ता के रूम में आ रही थी, लेकिन मिर्ता वहाँ का डोर बंद कर देती है, और उसकी माँ मिर्ता को पुकारती है। देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, और मिर्ता डोर खोलकर अपनी माँ को अंदर आने देती है। वो अपनी बेटी को छूकर महसूस करती है, लेकिन उसके पिता की आवाज़ सुनते ही मिर्ता वहाँ से भाग जाती है। मिर्ता जंगल में जाकर अपने कपड़े बदल लेती है। कुछ लोग आकर जंगल में मिर्ता को ढूंढने लगे थे। मिर्ता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे लोग कौन हैं। मिर्ता एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी, और उन लोगों को मिर्ता के फटे कपड़े भी मिलते हैं। उन लोगों के जाने के बाद में मिर्ता वापस अपनी कब्र के पास में आती है। वहाँ पर उसे बेनाडेंट लिखा हुआ एक कपड़ा मिलता है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ काले पड़ गए हैं, जैसे कि उसकी बॉडी सड़ रही हो, और उसकी पूरी बॉडी में वैसे ही काले मार्क आ रहे थे। वो एक गैस स्टेशन के बाथरूम में जाती है, और वहाँ पर वो अपने हाथों को धोकर काला रंग निकालने की कोशिश कर रही थी, और अब तो उसके नाखून भी निकल रहे थे। उसकी आंखें भी काली पड़ रही थी। फिर वो किसी से एक चश्मा चुरा कर अपनी आंखों को ढक लेती है। उसके पास में गिव्स नाम का एक आदमी आता है जो कि उसे इंटीमेट होने के लिए अपने साथ में ले जाना चाहता था, लेकिन वो गिव्स से दूर चली जाती है। मिर्ता को वहाँ पर रॉबिन का दोस्त फ्रेडरिक को दिखता है, जिसे देखकर वो फिर से गिव के पास आती है। मिर्ता के बारे में सोचकर उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही थी। तभी उनके घर में बेनाडेंट नाम का एक आदमी आता है जो कि उनसे मिर्ता के बारे में पूछ रहा था। मिर्ता के फादर उसे मिर्ता की मौत के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि किसी ने मिर्ता की डेड बॉडी चोरी कर ली है। बेनाडेंट उसे समझाता है कि मिर्ता अब मौत से वापस आ चुकी है, और वो इंसानों के लिए अब खतरा बन चुकी है। उससे पहले ही उनकी गैंग
उसे फिर से खत्म कर देगी। यह सुनकर मिर्ता के पिता को गुस्सा आता है। वो बेनेडिक्ट को पुलिस बुलाने की धमकी देकर उस घर से भगा देते हैं। मिर्ता गिव्स को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो और रॉबिन लास्ट टाइम आए थे, और मिर्ता की आवाज़ भी अब चेंज हो रही थी। मिर्ता वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन गिव्स उसे जाने नहीं देता है और उसे ड्रग ऑफर करता है, लेकिन मिर्ता ड्रग नहीं लेती है। मिर्ता के पास से सड़ी हुई बदबू गिव्स को भी आ रही थी, और मिर्ता को पैसे ऑफर करके गिव्स उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। मिर्ता को गिव्स के खून की खुशबू अच्छी लगने लगती है और वो उसका खून पीने लगती है। इंसानी खून पीने के बाद में मिर्ता की बॉडी अब फिर से नॉर्मल हो जाती है और अब उसकी बॉडी सड़ नहीं रही थी। मिर्ता को रॉबिन की याद आती है जहाँ पर वो उसे एक बार खुद के लिए लड़ना सिखा रहा था। रॉबिन ने ही अपनी लाइफ में अकेली सब कुछ किया था, और मिर्ता को भी वो ये सभी चीज़ सिखाता था कि खुद ही अपनी हिम्मत बनना सीखो। कभी किसी मुसीबत में वो और उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हो सकते हैं, तब उसे खुद को बुरे लोगों से लड़ाई करनी होगी। ये कहकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में मिर्ता एक रेस्टोरेंट पर जाती है जहाँ पर गिव्स की मौत की खबर टीवी पर आ रही थी। मिर्ता उस न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और किसी आदमी का फ़ोन चोरी कर लेती है और अपने घर पर कॉल लगाती है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती है कि वह अपने पिता से बात कर पाए, तो वो कॉल को काट देती है। मिर्ता फिर उसी अपार्टमेंट में आती है जहाँ पर रॉबिन के साथ में वो रहा करती थी, और वह अपने कपड़े बदल लेती है। उस घर की हर एक चीज़ में से उसे रॉबिन की याद आ रही थी कि किसे वे लोग उस घर में टाइम स्पेंड करते थे। उनके रोमांटिक पलों को याद करके मिर्ता वहीं पर सो जाती है, और तभी मिर्ता के फादर फेरा अपनी गर्लफ्रेंड सुजी को लेकर वहाँ पर आते हैं। मिर्ता को अपने फादर के अफेयर में कुछ पता नहीं था, और उनको देखकर मिर्ता एक जगह पर छुप जाती है। मिर्ता के फादर भी रॉबिन से गुस्सा थे, और उनको लगता था कि रॉबिन की वजह से ही मिर्ता ने ड्रग लिया था, और उसी की वजह से आज उनकी बेटी मर चुकी है। सुजी जब दूसरे रूम में जाती है तो मिर्ता उसे पकड़ लेती है, और सुजी की आवाज़ उसके पिता को सुनाई देती है। मिर्ता के पिता सुजी को दूसरे रूम में ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो मिर्ता सुजी का खून पी रही थी, और मिर्ता को इस हालत में देखकर उसके फादर भी शॉक्ड हो गए थे। तभी वहाँ पर बेनेडिक्ट के आदमी आकर मिर्ता को गोली मार देते हैं, लेकिन फिर भी मिर्ता को कुछ भी नहीं होता है। मिर्ता के पिता उसको बचाने आते हैं, लेकिन वो आदमी उसे गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। वो आदमी मिर्ता को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला था, लेकिन मिर्ता खिड़की को तोड़कर बाहर भागने लगती है, और सभी अब भी मिर्ता पर गोली चला रहे थे। गोली लगने की वजह से मिर्ता को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर जाती है, और अचानक से वहाँ पर बाइक पर सिल्विया नाम की एक लड़की आती है और मिर्ता को बाइक पर बैठाकर वहाँ से ले जाती है। सिल्विया मिर्ता को लेकर एक होटल में आती है और उसकी बॉडी से सारी गोलियाँ निकालने लगती है। सिल्विया मिर्ता को उन लोगों के बारे में बताती है कि वे लोग खुद को बेनेडिक्ट कहते हैं। पहले वे सभी वैम्पायर और विच का शिकार करते थे। समय के साथ साथ जब सब खत्म हो गया तो अब मिर्ता जैसे मौत से वापस आए लोगों का वे शिकार करते हैं। वे लोग कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते हैं, और इसीलिए उन लोगों ने मिर्ता के पिता को भी मार डाला था, और उनके अनुसार मौत से वही लोग वापस आते हैं जिनकी मौत वायलेंट तरीके से होती है। सिल्विया की मौत भी उसी तरीके से हुई थी, और उसे भी ब्रूटली तरीके से मार दिया गया था। वो भी मौत से वापस आई थी, और मिर्ता अपने फादर की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी थी। मिर्ता को बचाने के चक्कर में उसके पिता मार गए थे, और सिल्विया उसे समझाती है कि उन सबको अब बुरा बनकर जीना होगा। सिल्विया उन्हीं लोगों को मारकर खून पीती है जो लोग किसी के साथ में बुरा करते हैं। सिल्विया मिर्ता को सारे शिकार के तरीके बता रही थी, और वे लोग कभी भी मरे हुए आदमी का खून नहीं पी सकते थे, तो वो आदमी को बेहोश करके उनका खून पीते थे। अब एक आदमी का खून पीने के बाद में वे दोनों दूसरी जगह पर जा रहे थे, क्योंकि वे लोग एक जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते थे। मिर्ता को यकीन था कि रॉबिन भी उसी की तरह मरकर वापस आएगा, तो इसीलिए वो वापस कब्रिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन सिल्विया उसे जाने नहीं देती है। सिल्विया के मुताबिक हर कोई मरकर वापस नहीं आता है, और मिर्ता उसकी बात नहीं सुनती है और कार से जंप लगा देती है। कार को रोकने के बाद में सिल्विया को मिर्ता कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कब्रिस्तान में वापस जाकर मिर्ता देखती है कि रॉबिन की कब्र के पास में उसका दोस्त फेडरिको रो रहा है। मिर्ता फेडरिको के पास आती है, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिर्ता अभी भी ज़िंदा है। वो मिर्ता को अपने घर पर लाता है, और जब मिर्ता नहा रही थी तो फ्रेडरिको उसे चुपकर देख रहा था। अब कुछ देर के बाद में दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, और फ्रेडरिको मिर्ता को जॉम्बी जैसा समझ रहा था। मिर्ता उसे बताती है कि लोगों का खून पीने से पहले उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही थी, और मिर्ता को फ्रेडरिको से पता चलता है कि जब से मिर्ता के साथ में रॉबिन रिलेशनशिप में आया था
तभी से रॉबिन ने कुछ अजीब लोगों से दोस्ती कर ली थी। रॉबिन भी उससे हमेशा वैम्पायर वेयरवुल्फ की बातें किया करता था और फ्रेडरिको बहुत पहले से ही मिर्ता को पसंद करता था। वो मिर्ता को गले लगाकर डांस करने लगता है। मिर्ता को फ्रेडरिको के खून पीने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। फ्रेडरिको मिर्ता को किस करने लगता है और वो उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन मिर्ता अब इंसान नहीं थी तो वो फ्रेडरिको को रोक देती है क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। फिर मिर्ता वापस कब्रिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन फ्रेडरिको उसे रोकता है। लेकिन मिर्ता के खून की प्यास बढ़ रही थी। मिर्ता फ्रेडरिको का खून पीती उससे पहले फ्रेडरिको अपना गला काट लेता है क्योंकि मिर्ता मरे हुए लोगों का खून नहीं पी सकती थी। फ्रेडरिको मरने से पहले ये कहता है कि वो मिर्ता की ही तरह मरकर वापस आ जाएगा ताकि वो मिर्ता के साथ में रह पाए। और उसकी मौत पर मिर्ता बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसके खून के प्यास की वजह से फ्रेडरिको ने खुद की जान ले ली। अब इधर सिल्विया भी मिर्ता को हर जगह ढूंढ रही थी और सिल्विया के ठिकाने पर कुछ लोग उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन सिल्विया उन सबका खून पीकर उन्हें ही मार डालती है। वो बेनाडेंट पर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन कोई पीछे से पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे कंट्रोल कर लेता है। इधर मिर्ता रॉबिन की कब्र तोड़कर ये देखने लगती है कि वहाँ पर रॉबिन है या नहीं, और तभी बेनाडेंट का आदमी मिर्ता को इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपना साथ में लेकर चला जाता है। मिर्ता को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और बेनाडेंट वहीं पर मौजूद था। मिर्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल थी तो उसे बेनाडेंट मारने नहीं वाला था और इसी की वजह से वो उसे भूखा रखना चाहता था जब तक कि वो सड़सड़कर मर नहीं जाती। तभी वहाँ पर रॉबिन आता है और वो भी उन लोगों के साथ में मिला हुआ था। रॉबिन उसे किस करता है और एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मिर्ता रॉबिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबिन का एक दोस्त था पाब्लो, जो कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से मर गया था। वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए रॉबिन बेनाडेंट के ग्रुप से मदद लेके वापस आया था। वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने लगा था और इसी बीच उसकी मुलाकात मिर्ता से हुई थी। मतलब कि मिर्ता से मिलने से पहले ही रॉबिन मर चुका था और वो मरकर वापस आया था। वो मिर्ता को भी अपनी तरह अमर बनाना चाहता था और इसीलिए जानबूझकर रॉबिन ने मिर्ता को वो ड्रग दिया था ताकि मिर्ता भी उसी की ही तरह मरकर वापस जिंदा वापस आ जाए। लेकिन मिर्ता अमर होने के चक्कर में ऐसी दानव नहीं बनना चाहती थी और वो नॉर्मली रहना चाहती थी, लेकिन अब चाहने से भी उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पाएगी। अब रॉबिन के सोते ही मिर्ता वहाँ से निकलने लगती है और एक रूम में वे लोग सिल्विया को टॉर्चर कर रहे थे। बेनाडेंट सिल्विया की हालत के मजे ले रहा था और तभी बाहर कोई आवाज़ आती है। बेनाडेंट बाहर जाकर देखता है तो मिर्ता ने उसके आदमियों को मार डाला था और मिर्ता बेनाडेंट को भी मारकर उसे भोंच कर देती है। मिर्ता सिल्विया को आज़ाद करके अपने साथ में ले जाने लगती है और तभी वहाँ पर और आदमी आकर मिर्ता को पीटने लगते हैं, लेकिन मिर्ता खुद में हिम्मत लाकर सभी आदमियों को मारकर काटकर खाने लगती है। वहाँ पर मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी मिर्ता के सामने टिक पाए। और रॉबिन को मिर्ता बेड के पास में नहीं मिलती है तो वो उठकर मिर्ता को ढूंढने लगता है। मिर्ता और सिल्विया कार लेकर वहाँ से निकलने लगे थे, लेकिन रॉबिन आकर मिर्ता को पकड़ लेता है। रॉबिन मिर्ता को अपना प्रॉमिस याद दिलाता है कि वे दोनों मरने के बाद भी साथ रहेंगे और मिर्ता अब उससे प्यार नहीं करती थी क्योंकि रॉबिन ने उसके बिना पूछे ही उसे एक मॉन्स्टर बना दिया था जो कि इंसानों का खून पीकर हमेशा अमर रह सकती थी, लेकिन उसे ऐसा अमर जीवन नहीं चाहिए था। रॉबिन को इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश करके मिर्ता सिल्विया के साथ में वहाँ से चली जाती है। सिल्विया उसे समझाती है कि यही गुस्सा उसे हिम्मत देगा और इसी हिम्मत से वो इस अमर जीवन को जी पाएगी। वो अपनी ताकत को बुरे लोगों पर इस्तेमाल करेगी और बुरे लोगों के खून से अपनी भूख को मिटाएगी। मिर्ता को भी अब अपने अमर जीवन का कोई मकसद मिल गया था और मिर्ता की स्माइल के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में रॉबिन मरकर वापस आया था और वो बेनाडेंट के ग्रुप के साथ में काम करता था जो कि उसी की ही तरह मरकर वापस आए लोगों को मारा करते थे। रॉबिन ऐसे लोगों को ढूंढने में बेनाडेंट ग्रुप की मदद करता था जो कि मरकर वापस आए थे, और मिर्ता से वो इतना प्यार करता था कि वो उसे भी उसी की तरह अमर बनाना चाहता था, और इसीलिए उसने मिर्ता को एक ऐसा ड्रग दिया जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए मर तो गई थी लेकिन वो वापस जिंदा आई थी और उसी की तरह खून से अमर बनकर रहने लगी थी। लेकिन मिर्ता को खून पीने वाला दानव नहीं बनना था और इसीलिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अच्छे कामों में लगाया और बुरे लोगों को मारकर उस खून को पीकर अमर रहती थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मिर्ता और रॉबिन ट्वाइलाइट मूवी के वैम्पायर जैसे दिखते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।